प्रणाम अग्लोरी। आज की सुड़ आप लोगों को बताने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 की वीडियो में हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाइए उसको देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए पार्ट 1 की वीडियो में हमने क्या देखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और इसमें जैसे साइन थीटा का हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब हमने देख लिया है। एंड हमने उसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। पहला, जिसमें आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड का मेजर गिवन होगा एंड आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे। दूसरा, हमने क्या देखा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सिर्फ आपको दो साइड का मेजर गिवन होगा और तीसरा फाइंड करके आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे। तीसरा, हमने ये देखा है कि आपको किसी भी साइड का मेजर नहीं देगा जबकि आपको साइन थीटा दे देगा या फिर कॉस थीटा दे देगा, उसकी वैल्यू दे देगा एंड उसकी हेल्प से आपको साइड के सारे मेजर फाइंड करने होंगे एंड देन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना होगा। तो हमने तीन टाइप पढ़े हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या पढ़ना है, चौथा टाइप पढ़ना है। ये आप हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में आते कैसे हैं। देखिए आपको दे देगा कोई भी एक थीटा, जैसे यहाँ पे दिया है cos theta equals to 6/10, show that 5 sin theta minus 3 tan theta is equals to 0। यहाँ पे थीटा कैसे बन गया 0, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि साइन थीटा और टेन थीटा आपको फाइंड करना है। देखिए जिसके रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही फाइंड करिए। आपको कॉस थीटा पता है, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, साइन थीटा और टेन थीटा फाइंड करेंगे एंड जब हमें वो पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा LHS है इसको सॉल्व करके हम RHS के बराबर लाएंगे, यानी कि LHS equals to RHS करेंगे। जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो हमारा जीरो आना चाहिए। आपको आंसर जीरो पहले से गिवन है, ये कहीं भाग करके नहीं जाएगा, बस आपको ये शो करना है। लिखा है ना शो दैट, तो बस आपको इतना शो करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं कि cos theta equals to 6/10, इतना हमें पहले से गिवन है। अब हम उसके आगे क्या करेंगे, उसके आगे हम नीचे लिखेंगे लेट अस, ये देखिए ये सॉल्व करने का तरीका है। अगर आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करा, सॉल्यूशन पूरा नहीं लिखा तो नंबर आपका जाना पक्का है। सो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, आपका मन आप कोई भी ट्रायंगल का नाम देखो, इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको भाई जैसे लिखा है वैसे ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए बी सी हो गया एंड बी जो है वो आपका 90 डिग्री हो गया एंड यहाँ हम ले लेते हैं अपने थीटा को, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया मेरे थीटा को ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखेंगे सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए कॉस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा मतलब होता है हमारा B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा, ये आपका बेस है ये आपका हाइपोटेनस है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अपना 6/10, यानी कि क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, ये आपको लिख लेना है ऐसे BC अपॉन AC। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट अस BC equals to 6K। देखिए मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन पार्ट पर में कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक फाइंड करना होता है, जैसे बेस पता है हाइपोटेनस पता है परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो जब आपको ऐसा एक फाइंड करना होना है तो कोई ना कोई वेरिएबल हम लेट कर लेते हैं, ऐसे हमने K लेट कर लिया, आप चाहो तो कुछ भी लेट कर सकते हो। तो BC को हमने 6K कर लिया, बस 6 के आगे K लगा दिया एंड AC को हमने 10K लेट कर लिया, ठीक है ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस आपका क्या है AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो AC आपका कितना है 10K है, तो 10K आ गया। अब K देखकर घबराइए नहीं, लास्ट में सब बराबर हो जाएगा, ऐसी कहानी खत्म हो जाएगी लास्ट में। तो 10K स्क्वायर, AB आपका कितना है कुछ नहीं है, AB हमें फाइंड करना है तो हम AB का AB लिख देंगे, देन प्लस BC आपका है 6K। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड लेकर आएंगे तो 10K स्क्वायर में से 6K स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे AB
का स्क्वायर लिख देंगे, देन उसके बाद 10k का स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस आपका 6k का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। उसके बाद ab का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो भाई 10k का मल्टीप्लाई 10k में करेंगे यानी कि 10k का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 100, और उसके बाद k का आपका k ही रहेगा, ठीक है, k स्क्वायर का आपका k स्क्वायर ही आ जाएगा, बस ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि वेरिएबल का आप करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है, पावर जुड़ जाती है। उसके बाद माइनस 6 6 36, उसके आगे k स्क्वायर, अब है ab स्क्वायर इक्वल्स टू 100 में से 36 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 4 एंड इधर आ जाएगा आपका 6, तो 64k स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर लगा देंगे रूट, तो 64k आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है आपका 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, यानी कि 8k आपका आ गया ab, तो यहां k लगा दिया, यहां k लगा दिया, परपेंडिकुलर फाइंड करना था जो हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 8k, क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई। अब हमने क्या करा, हमें तीनों चीजें मिल गई, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें अब रिक्वायर्ड है साइन थीटा टेन थीटा, बस ये दो चीज रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम आगे इसमें अपना लिखेंगे, देखो सीधे से लिखेंगे अपना साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मेरा अभी अभी आया है, दैट इज परपेंडिकुलर अभी अभी आया मेरा, दैट इज 8k, एंड हाइपोटेनस मेरा कितना था, देखो भाई हाइपोटेनस था मेरा 10k, ठीक है, अब k से k कैंसिल आउट, सो 8 अपॉन 10 आ गया, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें रिक्वायर्ड है अपना tan थीटा, सो tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा मतलब होता है p अपॉन b, तो p मेरा कितना है 8k है, एंड b मेरा कितना है, सो b मेरा 6k है, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो 8 अपॉन 6 आ गया। अब यहाँ पे साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई और टेन थीटा की भी वैल्यू आ गई, नेक्स्ट थिंग अब हमें क्या करनी है, अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड कर लिया, अब हम अपना देखेंगे गिवन, जो चीज यानी कि अब यहाँ पे गिवन है, आओ उसको देखते हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, तो क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है कि 5 sin theta माइनस 3 tan theta इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना LHS इक्वल्स टू करके हम लिख देंगे 5 sin theta माइनस 3 tan theta, बस, एंड इसको हमें सॉल्व करना है, आंसर हमें पहले से पता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम बस यहाँ पे इसको करेंगे, सो 5 है साइन थीटा हमें पता है, अब देखिए 5 और साइन थीटा के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो 5 इनटू साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली, दैट इज 8 अपॉन 10, तो यहाँ आ जाएगा 8 अपॉन 10, उसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 थीटा की अभी हमने वैल्यू निकाली, दैट इज 8 अपॉन 6, तो 8 अपॉन 6 आ गया, क्लियर। उसके बाद इसको कट कर देते हैं, 5 2 जा 10 देन 2 4 जा 8, तो इधर आ गया आपका 4, देन माइनस 3 2 जा 6 देन 2 4 जा 8, सो 4 माइनस 4, तो आपको क्या मिला, 0 मिला, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू 0 एंड RHS इज इक्वल्स टू आल्सो 0, RHS भी आपका कितना है, 0 है, लो भाई यहां पे देख लीजिए RHS आपका कितना है, 0 है, बस हमें यही चीज तो करनी थी, हमें इक्वल करना था इनको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो अब ये शो हो चुका है आपका, बस ये हो गया आपका टाइप 4 का क्वेश्चन, बस ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, टाइप 4 का क्वेश्चन आएगा जो कि काफी ज्यादा इजी होगा। नाउ अब हम आते हैं अपने टाइप 5th के क्वेश्चन पे, सो 5th टाइप के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, टाइप 5, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कोई ना कोई ट्रायंगल दे देगा, जैसे ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, अब इसमें क्या है कि एंगल BAC इक्वल्स टू है थीटा डिग्री, ठीक है, एंगल BAC इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा डिग्री, एंड उसके बाद BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और CD इक्वल्स टू भी 4 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल्स टू क्या है, 10 सेंटीमीटर है। नाउ आपको यहां पे फाइंड करना है, आपको शांति से फाइंड करना है अब साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये आपको दो चीज क्या करनी है, फाइंड करनी है,
तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए थीटा जहां पे होता है, मैंने आपको बताया जिधर थीटा होगा उसके जस्ट सामने वाला आपका क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आपका बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और एसी आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा मतलब होता है हमारा सीधे से, साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में हमें परपेंडिकुलर पता है लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता। तो अब आप कहेंगे भाई पाइथागोरस लगा लो, ठीक है। पाइथागोरस लगाने के लिए भी हमें तीन में से दो पता होना चाहिए, यहाँ हमें सिर्फ परपेंडिकुलर ही पता है, अगर बेस पता होता तो काम बन जाता, लेकिन हमें यहाँ पे वो भी नहीं पता। तो हमें जब दो साइड्स नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम फंस गए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी कि दिस वन, इसको हमें लेना पड़ेगा, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बी डी पता है, दैट इज 8 सेंटीमीटर, भाई दोनों को ऐड कर दो तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें बी डी पता है 8 सेंटीमीटर, ए डी भी पता है 10 सेंटीमीटर, एक फाइंड करना है, और ये जो ए बी है आपका वो इस वाले ट्रायंगल में आता है। तो काम हमारा बन जाएगा, दिमाग लगाना पड़ता है मैथ में दोस्तों। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा हमारा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हाइपोटेनस आपका है एडी, तो एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ठीक है। तो एडी का स्क्वायर है तो 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया, बीडी का स्क्वायर 8 आ जाएगा, एंड ए बी ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है तो इसमें 100 माइनस 64 आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में 6 जाएगा 3, 36 आ गया। सो रूट 36 किसका स्क्वायर है भाई, 6 का, तो इधर आ जाएगा आपका 6। अब इसमें देखिए AB की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 6 सेंटीमीटर। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें अब हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इसमें हाइपोटेनस है आपका AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद AB क्या है आपका, AB है आपका 6 और BC है आपका 4, तो AB हमारा 6 है एंड BC हमारा 4 है। अब देखिए AC का स्क्वायर करना है, 6 6 36 प्लस 4 4 16, अब AC का स्क्वायर इक्वल टू 6 + 6 12 + 2 कैरीज 1, 3 + 1 4 and 1 5, अब 52 भाई इसी का स्क्वायर होता है, अगर नहीं भी होता तो भी हम रूट लगा देंगे, तो अगर आपने इसको आगे सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 2√30, ठीक है। तो ये हमारा आ गया AC, अब इसमें अगर हम देखें तो हमें AC पता चल गया जो कि है 2√13 सेंटीमीटर। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर हमारा है 4, हाइपोटेनस से हमारा 2√13 हो गया। उसके बाद देखिए कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बेस हमारा कितना है 6 है, देखिए बेस 6 है तो 6/2√13। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको ऐसे कुछ ट्रायंगल देखा और आपको दो दो बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो टाइप 5 तक हमने देख लिया, अब आगे के जो टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे अपने प्रोडक्शन पार्ट 3 की वीडियो में, क्योंकि ब्रेक लेकर के पढ़ना अच्छा माना जाता है।